सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित सर्च टीम ने आज अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र की बरखाण स्थित खलिहान में रखे 232 सुतली बोरी अवैध केंदुपत्ता जब्त किया है, जबकि समीप के नगराहा गांव से भी 50 सुतली बोरी केंदुपत्ता जब्त किए गए। केंदुपत्ता के अवैध कारोबार के खेल में पलामू जिले के डालटेगढ़ नई मोहल्ला निवासी सुबोध गुप्ता और भंडेरिया निवासी संजय केसरी, जवाहर सिंह व अजय साव की संलिप्तता पाई गई है, जो सुनियोजित तरीके से अवैध केंदुपत्ता कारोबार को नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के साथ मिलकर अंजाम दे रहे थे। जांच क्रम में यह भी मालूमात हुए कि इस कारोबार में नक्सलियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रेस वार्ता में पुलिस अधिकारी ने बताया कि कारोबारियों द्वारा भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइया से साठ गांठ कर पीटीआर ब्याग परियोजना क्षेत्र से केंदुपत्ता तोड़वाने का कार्य किया गया है। कहा इसके लिए भारी भरकम रकम लेन देन होने का भी खुलासा हुआ है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार को लेकर भंडरिया थाना क्षेत्र में 5 लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान, वन अधिनियम और MMDR के सुसंगत धाराओं और 17 CLA एक्ट के तहत कांड दर्ज कर लिया गया है। वहीं छापामार दल में अपर पुलिस अध्यक्ष सदन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार महतो, भंडरिया थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक शंभू प्रसाद गुप्ता, लघु वन पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद सुमन, घनश्याम भगत और सेट के जवान व पदाधिकारी शामिल रहे। एसपी मैडम को सूचना मिली थी कि भंडरिया थाना क्षेत्र में अवैध केंदुपत्ते के कारोबार किए जा रहे हैं और कई खलिहान अवैध रूप से खोले गए हैं। इसी के आलोक में हम लोगों के द्वारा यह सर्च किया गया और एक छापामारी दल का गठन करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महोदय भी टीम में शामिल, थाना प्रभारी भंडरिया भी शामिल। इनके द्वारा देखा गया कि बरखाण एक क्षेत्र है उत्तरी कोयल नदी के पास आरा गांव के नीचे, वहीं से बड़े पैमाने पर वहां पर खलिहान खोला गया था जहां केंद्र पत्ते की खरीद बिक्री की जा रही थी। उसको हम लोगों के द्वारा सीज किया गया और वहां से 235 बोरी जब्त की गई और नगराहा ग्राम से 50 बोरी अवैध जब्त की गई, जिसमें इस कारोबार में मुख्य रूप से अजय साहू, सुबोध गुप्ता, जवाहिर सिंह और संजय केसरी संलिप्त पाए गए। सर नक्सली गतिविधि क्या है? हाँ, और साथ में माओवादियों की संलिप्तता भी इसमें पाई गई है और इस आधार पर कांड दर्ज कर